उसे लगता था कि सिर्फ वहाबी ही वहाबी है, लेकिन जब सुन्नी कॉन्फ्रेंस में 2 से 2.5 लाख सुन्नी मुसलमान जब इकट्ठा हुआ मुरादाबाद में, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का, तो वो मैसेज गया कि जो लोग तब गए थे सही तौर पर, उन्हें लगता था कि ये वहाबियों का शहर है, आज वो सब सीना चौड़ा करके बाहर निकले और अगर के चल रहे हैं नई सुन्नियत है। उन्होंने इस्तेमाल कर करके ऐसा तासुक दिया सुन्नी मुसलमानों के जहर पर, ऐसा मरूद कर लिया कि वो तब गए। 3 साल संभल रहे या जितनी भी बड़ी बड़ी वहां तहसीलें थी, सभी जगह पर जितना भीड़ होती थी उसका 3 गुना ज्यादा भीड़। उसका यह इफेक्ट हुआ है कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में मुरादाबाद, सिर्फ इंटरनेट के ऊपर सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद लेकर कोई इंटर कर दे तो आपको पूरी न्यूज नजर आना शुरू हो जाएगी। सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद का जिक्र स्टैंडर्ड वीकली मैगजीन जो अमेरिका और यूके में एक साथ शाया होती है उसमें उस न्यूज को दिया गया। स्टीफन शावर्स जो इस वक्त अमेरिका से जबरदस्त तरीके से फाइट कवर कर रहा है और अल जवाही करके आलिम दीन है वो, और स्टीफन शावर्स जो मुसलमान हो गए जिनका नाम अब सुलेमान है, ये रशियन थे, यहूदी थे और अब आज के दिन में रब के फजल से वो मोमिन है और आज मुसलमानों के लिए वो फाइट कर रहे हैं। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन में आल इंडिया और शायद बोर्ड यानी उसके जनरल सेक्रेटरी यानी मुझसे उन्होंने रब्ता किया, मेरी डायरेक्ट उनसे बात हुई और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आल इंडिया और शायद बोर्ड को रिकॉग्नाइज कर लिया कि अब हम जो कुछ भी करेंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और आप जो कुछ भी करेंगे हमें इन्फॉर्म करेंगे ताकि हम यूरोप में इस बात को फैलाएं। एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक जगह आप यूनाइट होकर खड़े हो गए तो रिजल्ट यह निकला है कि सिर्फ मुल्क ही में नहीं इंटरनेशनली आपको जाना जाने लगा कि आप भी हैं। जो शनाख्त आपकी खो गई थी एक बार आप यूनाइट हुए, एक जगह यूनाइट होकर खड़े हो गए तो यह मैसेज चला गया। तो इसी तरह से अगर हम हर जगह यूनाइट होकर खड़ा होना शुरू कर दिया तो कमिश्नरी लेवल पर इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसा नहीं होगा जो पूरा ना किया आपकी मर्जी के मुताबिक यहां की हुकूमतें स्कीमें बनाएगी आपकी मर्जी के मुताबिक, जो आप चाहोगे वो बनवाओगे। जरूरत है कि आप खुद अपनी ताकत को पहचान। मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत नहीं करते, मैं आपकी मेहनत का कायल हूं और खास तौर पर अपने उलमा इनके टैलेंट का तो मैं जबरदस्त तरीके से कायल हूं, फैन भी हूं मैं। हमारे उलमा तो वो है कि पत्थर से तेल निकालते हैं, मौजूद है। वरना दोस्तों आज के दौर में मदरसा चलाना, अरे इनके पीछे तो हुकूमतें हैं, इनके पीछे तो बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पीछे यहूदी है, नसारा है। अगर इन्होंने बिल्डिंग बनाई और 1000 बच्चे पढ़ाए तो कौन सा कमाल है? कमाल तो हमारे वालों का है, क्या आवाम से पैसा लेकर मदरसा चला रहे हैं। और ये तो आप तमाम लोग चला रहे हैं, आपको पता है और मैं भी उसी कश्ती का सवार हूं, मुझे भी पता है। तो मैं कायल हूं आपकी सलाहियतों का, लेकिन ये तमाम तरफ मेहनतें एक तरफ, लेकिन ये तमाम काबिशें, ये जो काम किए जा रहे हैं ये इंफरादी तौर पर किए जा रहे हैं, इस्तेमालियत ना होने की बुनियाद पर। रिजल्ट जितना अच्छा आना चाहिए उतना अच्छा नहीं आ रहा, रिजल्ट तो आ रहा है पर जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। तो जरूरत है कि हम यूनाइट हों, एक प्लेटफॉर्म पर हैं। अब इख्तलाफ की कोई जगह बची नहीं कि हम करें, इसलिए अब खोने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ तो खो दिया। अब तो यही बचा है कि अपना घर खो, सिर्फ घर बचा है। आज के दिन में हालत हो गई, बाप सुन्नी है और बेटा वहाबी हो रहा, क्या बात, इस लहज तक पहुंच गए।
अब उलमा का घर बचा। अगर इसी तरह से हम अलग अलग रहे तो शायद वो हमारे घरों में भी घुस जाए। हमारा बेटा भी ये सोचे कि हम लोग तो कहीं है ही नहीं, और एक बात आप जान ले कि वहाबियत में कोई चमक नहीं है। जब ईमान नहीं तो रूहानियत कहां से आई? ईमान ही नहीं तो रूहानियत कहां से आई? तो फिर दोस्तों ये आवाम वहाबियत के करीब क्यों जा रही है? उसकी एक वजह है, आपके करीब है रूहानियत की दुनिया, आपके करीब है नबी की मोहब्बत की दुनिया, आपके करीब है